इंदौर में सुबह 11 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सुबह 10:30 बजे से बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जो आधे घंटे बाद तेज बारिश में तब्दील हो गई है। इंदौर के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में जोरदार गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते शहर के भवरकुआ, जीपीओ और नवलखा इलाके में जाम लग गया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। उधर मौसम केंद्र ने दोपहर करीब 1 बजे तक इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 3 दिनों में मौसम विभाग ने इंदौर को लेकर दूसरी बार ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश ने 6 जुलाई को नगर निगम चुनाव के लिए होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। नेहरू स्टेडियम में मतदान दल बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन हालांकि पूरी मुस्तैदी से चुनाव की तैयारियों में जुटा है। स्टेडियम में मतदान दलों के लिए 8 डोम बनाए गए हैं। इंदौर के साथ ही पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। सुबह 11 बजे रिमझिम बारिश शुरू हुई थी, जिसके बाद तेज बारिश शुरू हो चुकी।